लाहौर मोटरवे में जो हादसा हुआ है, यहाँ कराची में हर गली रोडों में ऐसे वाकयात होते हैं, पर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। आप लोग प्लीज़ निकले, हर तरफ देखें, छानबीन करें, आप खुद देख लेंगे कि चोर कैसे बाहर आकर अपना किरदार दिखाता है। मैं शुरू लगा था, मेरे वालिद साहब ने बहुत मेरे को मारा कूटा, संगल लगाए मुझी के ऊपर, पूठा कर करके बना संगल लगाए, मैंने संगल तोड़े करके। मैंने कहा नहीं, मैं काम नहीं छोड़ूंगी, ये मैं काम करती रहूंगी। मैंने अपना नाक भी सुवाया और अपना कान भी सुवाए। मैं कहा मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर वाले ने कहा भाग जा, मेरे को भगा दिया था मेरे भाइयों ने। मेरा भाई और नशे पे लग गया, तो वो फोत हो गया है जो मेरे को मारता था। एक मेरा वाला साहब रह गया था। जनाब हम लोग घर से बाहर निकलती हैं अपने पेट और अपने सर की हर परेशानियों को दूर करने के लिए। जब भी हम लोग बाहर आती हैं, लोग हमें देखकर हैरान हो रहे होते, हम अपने घर से निकल रही होती, हमारे पड़ोस वाले हमको देखकर हमारे बढ़ते कदमों को घरों में बांधने की कोशिश में लगे रहते हैं और हम लोगों को तंग करते हैं, रातों को घर में सोने भी नहीं देते, अकेली को भी चैन से बैठने नहीं देते, हर कोई लाइक करने के बहाने से आके हमें ब्लैकमेल करते हैं और हम लोगों के साथ ज्यादती करने की कोशिशें करते हैं और अपने प्यार में उतार कर हमें कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत करने के ताड़ में रहते हैं। और हम जब यहाँ आते दुकानों में दो पैसे भीख मांगकर अपने परेशानियों को और अपने पेट पालने के लिए आगे पीछे बच्चों के लिए आते, लोग हमें वो भी करने देते, मगर क्या, ये रक्षे वाले टैक्सी वाले जितने भी हैं, ये बड़े अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, इनमें हम लोगों के साथ गलत भी करते हैं, हम लोगों को अपनी तरफ बांध कर हमें कहीं दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। और तो और हमारी जैसियों के कपड़े फाड़ते हैं, उनको नंगा करके चेक करते हैं कि ये असल ख्वाजा सरा है या नकल ख्वाजा सरा है। 12 साल की उम्र में घर से निकली, जब मैं आप घर से निकली मैं ख्वाजा सराओं में चली गई। ख्वाजा सराओं में मैंने कमाया, मैं अबों की बुढ़िया। ख्वाजा सराओं मेरे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं पंजाब के। मैं कराची वालों की हूँ, यानी पंजाबियों में बिकी हुई हूँ। हमारे हम बिके हुए होते, उन्होंने हम बिके हुए होते, उन्होंने मुझे खरीदा है, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे पैसे हमें दो कमा के। हम एक एक रुपया कमाते हैं, एक एक रुपया कमाते हैं, 8,000 मकान का किराया देते हैं, अपना खर्चा चलाएं या किराया दें, सही है। दूसरी बात ये, हम अल्लाह के नाम पर मांगते हैं। जो बड़े कार वाले हमारे मौजूद भाई, हमारे मौजूद बंदे, हमारे यानी अल्लाह के नेक बंदे, हमारी बहन बेटियां, ये डिफेंस के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं। हम अल्लाह के नाम पर मांगते हैं, हमें धक्का देते हैं, धुतकारते हैं। माँ बहन मेरी तीन बहनें, तीन सिस्टर हैं, मेरी वालदा वालिद नहीं है। माँ मेरे भाई हैं, उन्होंने क्या, हमारी बेटियां जवान हो गई, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते नहीं आते, हम जुड़े हो तुम, हम मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये कराची के मिसाल बना है, कुत्ता मरिया और बंदा मरिया एक बराबर है। क्या पता चलते हैं अगला फेर नगा दे, इधर से बटा के लाके जाए, उधर से जाके गोली मार दे, और उधर उधर जाके उन्हें कपड़ा गालों में बन के उन्हें गांड मार के उन्हें मुंह से उन्हें केसिंग करवा के उसको दफन कर दे। आप गाड़ी बजा के ले जाओ, जिम्मेदार कौन है? इसका कुछ हाल होना चाहिए। ये शी मेलों को बहुत जास्ती आजकल हो रही है, इसका कुछ ना कुछ हाल होना चाहिए। अपने आप को लड़की समझ के हम लोग ख्वाजा सरा बनती है, ठीक है, अपने आप को लड़का समझ के हम बनकर आए, ए अल्लाह तू देख रहा है हमारे रास्ते में, तू मुश्किलात डाल दे, मगर हम लड़कियां बनकर इस फील्ड में आई है, अपने ही घर की लड़कियों को आना पड़े इसलिए हम खुद आई है, सही है। अब हमारा इंसाफ कर दे, हम लोगों से झूठा सलूक करते, हमारे जो पक्के बॉयफ्रेंड होते वो हमें रोडों पे धक्के देते,
लड़कियों के इश्क में फंसकर हम लोगों से नाजायज पैसे कमाने के लिए बोलते, फिर हम अपनी दिल की हालत देखकर हम इतने परेशान हो जाते कि हम ये नहीं देखते कि किसके पास जाएंगे तो हमारे को इज्जत मिलेगी, किसके पास जाएंगे तो हमें जिल्लत मिलेगी। हम उस इंसान के पास खड़े हो जाते और आप बताएं फिर हम लोगों के साथ ऐसा होगा तो कौन किसका ख्याल करेगा, कौन किसको देखेगा। हमारे ख्वाजा सरा, हमारे गुरु साई हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना, जुल्म कर रहे हैं। हम जिसे मांगते हैं, कोई कहता नौकरी कर लो, हम जिसे मांगते हैं वो कोई कहता नौकरी कर लो, हम अपने अपने मुंह से कहते हैं हमें नौकरी दिलवाओ, अपने घर ले जाओ, हम झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन धोएंगे, प्लेटें धोएंगे, आपकी आपकी सफाई करेंगे, आपके हंडिया पकाएंगे, मशवरा दे देते हैं, अल्लाह के नाम पे एक रुपया भी नहीं देते, गालियां माँ बहन की बकते हैं मुंह पे। हमारे साथ ये ज्यादतियां होती हैं अल्लाह के नाम पे। ये जो कार वालों के खिलाफ, यानी आवाम के खिलाफ कह रही हूँ, 10% यानी 10% अच्छे लोग आते हैं अल्लाह के नेक बंदे, 90% हमारे साथ ज्यादती करती है आवाम, जो बड़े लोग बड़े लिखे लोग, हम उनके साथ कुछ भी नहीं करते, हम दिल से दुआएं देते हैं, अल्लाह का नाम तो नबी का सदका मांगते हैं। हमारे अगले दिन भी मुझे मेरठ में मांग रही थी, मेरठ होटल में मांगती हूँ, मुझे 4 बंदों ने मारा, 2 फैमिली आई थी ज्यादा करी, मैं अकेली थी, मैंने क्या दूर खड़ी कार से दूर खड़ी हुई थी, मैंने कहा अल्लाह के नाम नबी के सदके दो, मुझे बालों से पकड़ के खींच के मारा, अल्लाह के नाम पे मांगने पे मुझे जुल्म करके मारा, कोई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, क्यों, मैं ख्वाजा सरा हूँ, हमारा कोई नहीं है सिवा अल्लाह के, सिर्फ एक अल्लाह थे कहा, मैं 5-10 दफा निकाला है, मैं घर चले जाता था, अभी उसके नैना ने क्या तेरे को दूध भी बच गया जो पी आए, तू घर से दौड़ जा, साड़ी बेइज्जती है, साड़ी बेशर्मी है, साड़े रिश्तेदार भी अपने लोग आंढ गवाड़ अपने घर वाले वो कह रहे ये काम अच्छा नहीं है, तो ये हरकतें मेरे को नहीं छोड़ी जाती, ना मैं शादी करवाने के काबिल है, ना किसी दी बहन को धक्का देंगे शादी करवा के। हमारा जनाजा हो जाता जब हम मर जाते हैं, हमारा जनाजा इस तरह ही होता है जिस तरह आप लोगों का होता है, यानी दुनियावी तौर पे हम मुसलमानों का होता है, जो ऑपरेशन करा लेते हैं उनका जनाजा जायज़ नहीं, क्यों, अल्लाह के काम में दखल अंदाजी दी है उन्होंने, अल्लाह ने 5 उंगली दिए, 1 उंगली काटो अल्लाह के काम में दखल अंदाजी, सही है, क्यों, अल्लाह का शरीक है वो। 4 किस्म के ख्वाजा सराए, 4 किस्म के, जो अल्लाह की तरफ से पैदा होता है, आपके अंदर मर्दाना रूह है, आप मर्दों की तरह चलते हैं, हमारे अंदर औरतों की रूह है, हम औरतों की तरह काम करते हैं, क्यों, पहली रूह ये, दूसरे ये एक मर्दों में इजड़ा होता है अल्लाह की तरफ से, उसकी छोटे अज़ा होती है, ठीक है, जो औरत औरतों में इजड़ी होती है, औरतों में जो इजड़ी होती है वो उसका शादी नहीं हो सकती, जो अम्बिस्त्री होती है मर्द औरत के साथ वो नहीं, वो इजड़ी होती है औरतों में, तीनों गए। चौथा ये जो आजकल के लड़के बनावट कर रहे हैं, मांगने का अपना ढंग बनाया है, मांगने का ढंग बनाया, हम लोगों को बदनाम करे, हमारी रोजी को बदनाम करे, हमारी रोजी भी लात मारी। लाहौर मोटरवे में जो हादसा हुआ है, यहाँ कराची में हर गली रोडों में ऐसे वाकियात होते हैं, पर इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता, आप लोग प्लीज निकले, हर तरफ देखें, छानबीन करें, आप खुद देख लेंगे कि चोर कैसे बाहर आकर अपना किरदार दिखाता है, ऐसे आप लोग निकलेंगे वो नहीं हाथ में आएंगे, उनको छुपे तरीके से पकड़े आप, जितने तरीके कार उनके पास है ना मैं जानती हूँ, मैं वो किस वक्त बाहर निकलेंगे किस वक्त नहीं निकलेंगे सब जानती हूँ मैं। ये मेरे साथ पहले काम हो चुका है ना,
इसलिए क्योंकि मेरे लिए भी कुछ हाल होना चाहिए, मेरे लिए कुछ तस्लीम होना चाहिए कि उनके ने मेरा वाले साहब एक है और मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, मेरा भी कुछ होना चाहिए। मैं अकेला हूँ कि उनके ने कराची में रहता हूँ, कुछ मेरे लिए हाल होना चाहिए।